पिछले साल बजट में LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऐलान का बाजार पर नेगेटिव असर देखने को मिला था। वहीं इस साल जी बिजनेस वित्त मंत्री से LTCG हटाने को लेकर खास मुहिम चला रहा है। इस मुहिम को लोगों का शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। अब आइए सुनते हैं मार्केट के दिग्गजों का इस पर क्या कहना है। एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है इसमें बहुत अमाउंट भी बहुत एक्चुअली बड़ा नहीं है। और आपने बहुत सही कहा कि ये आने के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ इनकम तो आई नहीं है। आई थिंक ये मोर ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, क्योंकि हमारे कंपनी में कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स एक बहुत स्मॉल कम्युनिटी है। जो बाकी के लोग हैं, जो फार्मर्स है, जो अदर इन्वेस्टर, जो अदर यू नो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है इसकी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जिसको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होता है वो भी थोड़ा बहुत तो टैक्स दे देगा। इससे आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट को बहुत इनकम आने की अपेक्षा है। LTCG को तो इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। इससे निवेश का बहुत प्रोत्साहन होगा और डोमेस्टिक फ्लोज में इक्विटी की तरफ रुझान रहेगा, विच मींस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड वेल्थ क्रिएशन विल बी द मंत्रा फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मार्केट पार्टिसिपेंट आई वुड लव टू हैव इट कि यू नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाएं, क्योंकि STT और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों होना सही नहीं है। तो या तो आप STT को हटाओ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाओ, दोनों को रखना बहुत ही यू नो नाजायज है। LTCG तो जाना ही चाहिए, सरकार को ऐसा कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है और बाकी मार्केट और माहौल और सेंटिमेंट खराब हो रहा है, तो ये तो जरूर जाना चाहिए।